यात्रा जोरहाट जो कि आसाम में है वहाँ से स्टार्ट हुई और मेरा संकल्प था मैं प्रयागराज तक साइकिल किया हूँ और एक लोगों को मैसेज दूँ रोड सेफ्टी का और साथ ही साथ सेहत के लिए भी मैसेज दें कि आप अगर अपने लिए रोज़ जाना एक घंटे समय निकाल सकते हैं सेहत के लिए तो अपने तो साइकिलिंग के साथ अगर आप कुछ भी खेल नहीं खेल रहे तो साइकिलिंग के लिए करेंगे तो आप एक घंटे की साइकिलिंग करने से आप स्वस्थ रहेंगे। तो जी किस तरह से साइकिल का आपका यात्रा की कब चालू हुई और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैंने यात्रा स्टार्ट किया हुआ जो हाल से 5 बजे सुबह। मेरा पहला हॉल्ट तेजपुर में था, दूसरा हॉल्ट प्लेस कॉल्ड रंगिया थर्ड हॉल वॉज हसीमारा थर्ड वॉज बागडोगरा दैन बागडोगरा के बाद स्कॉल एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आगे स्कॉल के बाद फिर आ रहा है बस वाराणसी। कितने किलोमीटर लगभग डिस्टेंस चाहिए? करीब 1600 किलोमीटर होना चाहिए हम नॉट कैलकुलेटेड। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज है राइट टू रोड सेफ्टी राइट टू हेल्थ। मेरा जितने भी लोग यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह जो रोड पर चलते हैं बड़ी सेंसिबिलिटी के साथ चले रोड पर किसी भी तरह का एग्रेशन ना दिखाएं और छोटी छोटी बारीकियों को भी अपने जीवन में लाए ताकि रोड पे सेफ्टी हमेशा बने। विंग कमांडर होते हुए आपने साइकिलिंग को चुना मैसेज के लिए, ऐसा क्या? साइकिलिंग आज के टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स है और बड़े बड़े लोग साइकिलिंग और साइकिलिंग करने से मैं विंग कमांडर हूँ और मैं भी पोस्टिंग कर रहा हूँ। नाम बता दीजिए। आप हमारे बीच में हैं।